हेलो दोस्तों, अगर आप WhatsApp पे बल्क मैसेज भेजना चाहते हैं और काफ़ी सारे नंबर्स को एक साथ में लॉगिन करके भेजना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास में बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें आप एक साथ 10 WhatsApp नंबर को लॉगिन कर सकते हैं, वर्चुअल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर वर्चुअल नंबर को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है कि हमको एक अलग से मोबाइल डिवाइस चाहिए जिसमें हम OTP डालकर व्हाट्सएप पे उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उसकी अब ज़रूरत नहीं है। उसे आप डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में ही मोबाइल नंबर डालकर OTP को डालकर एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी समय और कॉस्टिंग में बहुत बचत होगी क्योंकि आपको अलग से कोई मोबाइल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको आना है डिवाइसेस पे, यहाँ पर आप न्यू इंस्टेंस बनाएंगे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करके। अगर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ पर 1 डालना है, कोई भी नाम जिससे कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। शो QR कोड पे क्लिक करना है, इसको स्कैन करना है मोबाइल से और लॉगिन कर देना है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप वर्चुअल नंबर को बिना किसी मोबाइल डिवाइस के एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट इंस्टेंस पे जाएं, फ़ोन लॉगिन को सेलेक्ट करें, यहाँ पर कोई भी नाम दें, क्रिएट पे क्लिक करें, देन लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर डालें, सेंड OTP पे क्लिक करें, जो भी OTP होगा नेक्स्ट विंडो में डाल के उसको एक्टिवेट कर लें, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 नंबर को लॉगिन करके रेडी कर लिया है। जैसे ही आपका नंबर कनेक्ट होगा रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको नंबर ऑफ मैसेजेस के बाद में स्विच करना है अपना मोबाइल नंबर, वो डालना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 5 मैसेजेस के बाद में मेरा व्हाट्सअप नंबर चेंज होना चाहिए तो मैं 5 यहाँ पर डालूँगा। ये 2 मैसेजेस के बीच में कितना टाइम गैप रखना है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो 10 से 15 हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब जब मैं मैसेज भेजना स्टार्ट करूँगा तो जितने भी नंबरों से आपने लॉग इन किया होगा, सपोज मैंने 5 व्हाट्सअप नंबर से लॉग इन किया है एंड मैंने 50 मोबाइल नंबर्स को डाला है मैसेज भेजने के लिए, तो पहले 5 मैसेजेस फर्स्ट मोबाइल नंबर से जाएंगे, नेक्स्ट 5 मैसेजेस नेक्स्ट व्हाट्सएप नंबर से जाएंगे। इस तरह से व्हाट्सएप पे बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब भेजना कैसे है बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में आपको क्विकली बता देता हूँ। सेंड मैसेज पे जाना है, यहाँ से आपको न्यू मैसेज सेलेक्ट करना है, किस इंस्टेंस से आप भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है, सभी से भेजना चाहते हैं तो आप ऑल पे तो ऑल को सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से किस तरह का मैसेजेस आप भेजना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट विद मीडिया, बटन विद मीडिया, लिस्ट, मेन्यू, पोल वगैरह आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड डिवाइसेस पे बटन का फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप ये दोनों ऑप्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। देन आप यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर नाम वगैरह डाल देंगे सारा का सारा, यहाँ पर नेम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आप मैसेजेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना मैसेज लिखेंगे, कैंपेन का नाम देंगे, मैसेजेस 1 by 1 सेंड हो जाएंगे। आप वेलकम मैसेज को भी सेट कर सकते हैं कि जैसे कोई भी आपको अगर फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो क्या वेलकम मैसेजेस आप रिटर्न में ऑटोमेटिकली सिस्टम में डालना चाहते हैं। यहाँ से आप इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे, मैसेज टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिख देंगे, लेकिन इसके लिए आपकी एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए और व्हाट्सएप पे लॉगिन होना चाहिए। ऑटो रिप्लाई को भी सेट कर सकते हैं, मींस कि जैसे हमने दिया हमारा प्रोडक्ट आपको बाय करना है और नो बाय करना है तो येस लिखें, तो अगर आप येस यहाँ पर ऑटो रिप्लाई सेट करते हैं और कोई पर्टिकुलर मैसेज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बनाकर डाल सकते हैं। आप अपने अलग अलग मैसेजेस के टेम्पलेट यहाँ पर बनाकर सेव कर सकते हैं और उनका नाम दे सकते हैं। उसके बाद में जब आप सेंड मैसेज पे जाएंगे तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करके आप मैसेजेस भेज सकते हैं, तो बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट को देख पाएंगे, यहाँ से आप नंबर्स को फिल्टर कर पाएंगे, मीन्स यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि जो लिस्ट आपके पास में है वो कितने व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं हैं, वो सब आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसे आप मैनुअल इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है ग्रुप ग्रैबर के लिए, जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं आप फैच ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो लिस्ट दिख जाएगी, उस लिस्ट को सेलेक्ट करके
आप इंपोर्ट करेंगे तो सभी नंबर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। बाद में उन सभी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेके उनको भेज भी सकते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट रिपोर्ट्स दिखाई देगी जब आप कैंपेन्स को रन कर देंगे कि कितने मैसेजेस डिलीवर हुए हैं, कितने नहीं हैं, और यहाँ से जितने भी मैसेजेस आपको रिसीव होंगे वो सब आप देख पाएंगे। ये है सेटिंग टैब। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वीडियोज़।